गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ चैप्टर आर यू क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 3 आर यू आ रहे हम, तो उसकी विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 9 पे है। यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आवयु है और बी एक विषम सममित आवयु है तो दिखाइए कि ए डैश बी ए एक विषम सममित आवयु होगा। तो हमें क्या दे रखा क्वेश्चन में, बी दे रखा एक विषम सममित आवयु, तो बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी के बराबर होगा, क्योंकि जो आवयु विषम सममित होता है इसका ट्रांसपोज उसी आवयु के माइनस उसमें उसके इक्वल होता है। अब हम ये वाला आवयु लिखेंगे, इसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ए डैश बी ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हमेशा रिवर्स ऑर्डर में होता है, इसमें हमने बार बार ए और ए डैश वाला आवयु मान लिया, तो इसको रिवर्स करेंगे, बी ए कहलाएगा बी ए का ट्रांसपोज, यानी बी ए का डैश, बी ए का डैश का डैश। तो यहाँ पे ए इसको फिर रिवर्स करेंगे, ए का डैश बी का डैश, अगर डबल डैश आ जाए तो परिवर्तन का परिवर्तन हो गया, ए आ गया उसके अंदर, तो यहाँ पे बी डैश के लिए रख दी माइनस बी माइनस बार आ गया। तो इसका मतलब इस वाले आवयु का ट्रांसपोज सेम वही आ गया लेकिन माइनस साइन आ गया, इसलिए ए डैश बी ए एक विषम सममित आवयु है। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में ए एक आवयु दे रखा और ये हमें सिद्ध करना है, और इसकी सहायता से हमें फिर ए इनवर्स निकालना है। इसमें मैंने याद रखा था ए इनवर्स आपको नेक्स्ट डे बताएंगे, तो सबसे पहले मुझे तीन जरूरत है ए स्क्वायर की, तो पहले ए स्क्वायर लिखेंगे, ए मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स में इंटू कर देंगे, इंटू मैंने आपको बता रखी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में, इस तरीके से इंटू बता रखी, उसके हिसाब से ए ए स्क्वायर की आगे वैल्यू, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू है 22 9 - 3 एक ध्यान रखी 3a का मतलब है a आउट में सब एलिमेंट में 3 का गुणा होता है, तो इसमें सब में 3 से गुणा होती है, और ये लिख दिया हमने 7i, i का मतलब होता है इकाई आयु, इकाई आयु में हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, ये आ गया, फिर हमने 22 में से 15 गए 7, 9 में से 9 गया 0, -3 प्लस का 3 हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 प्लस के 6 हो जाएगा 7, तो ये दो मिलाते हैं ये आगे वैल्यू 7 0 0 7, और उसको माइनस भी 7 0 0 7 में से करना, तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में से कोरस्पोंडिंग एलिमेंट घटता है, सारे एलिमेंट 0 आ गए, नल मैट्रिक्स आ गई। दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अपने मोबाइल को 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखकर आप पढ़ेंगे। थैंक यू।